मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा की जाएगी और उस टॉपिक का विषय वस्तु है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति के लिए चोरी का दोषी ठहराया जा सकता है। और बहुत सारी विचित्र जैसी एक प्रश्न पैदा होता है कि क्यों एक व्यक्ति जो वो खुद अपनी संपत्ति के लिए चोरी का जिम्मेवार बनाया जा सकता है या दोषी ठहराया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, वो मेरा मोटरसाइकिल है, क्या मैं मोटरसाइकिल के लिए चोरी करने के लिए क्या आरोपी बनाया जा सकता हूं अपने मोटरसाइकिल के लिए? तो इसका आंसर रहेगा हाँ। वो कैसे रहेगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरा मोटरसाइकिल, मैं अपने मोटरसाइकिल के साथ अपने जो कर्तव्य स्थल था, ड्यूटी थी, मैं वहां जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल अचानक सडनली खराब हो जाता है और मैं उसको अप्रोच करता हूं मैकेनिक के पास। मैकेनिक बोलता है कि एक दिन लगेगा ठीक होने के लिए। तो मैं क्या करता हूं कि उस मोटरसाइकिल को अपने उस मैकेनिक के पास छोड़ देता हूं। और अगले दिन जब मैं मोटरसाइकिल को लेने उस मैकेनिक की दुकान पे जाता हूं तो वो मैकेनिक वहां पे नहीं मिलता है। तो मैं डिसऑनेस्टली, मैं बेईमानी की नीयत से उसको पैसे ना देने की देने के व्यू से मैं उस मोटरसाइकिल को उसकी अनुमति के बिना वहां से उठा लेता हूं और ये प्रूव हो जाता है कि मैंने डिसऑनेस्टली उस चीज को वो वहां से उठा लिया, तो मुझे चोरी के केस में आरोपी बनाया जा सकता है। क्योंकि चोरी की डेफिनेशन में 378 में जो पांच एलिमेंट्स बताए गए, जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, मेरा मोटरसाइकिल जो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो किसी के कब्जे में होनी चाहिए। अब मेरे मोटरसाइकिल का कब्जा पोजेशन जो है वो उस मैकेनिक का है और उसकी रजामंदी के बिना, नियत बेईमानी, उसकी कंसेंट के बिना, और मेरी नियत है बेईमानी कि मैं उसको पैसे नहीं दूंगा, और उस वस्तु का स्थान जो वो मैं तब्दील कर देता हूं, परिवर्तन कर देता हूं, तो साथ में ये पांचों एलिमेंट्स जो वो चोरी के मेरी इस चोरी वाली घटना में पाए जा रहे हैं। तो जैसे सपोज करो कि मूवेबल प्रॉपर्टी, मेरा मोटरसाइकिल मूवेबल है, उसकी पोजेशन में, किसकी पोजेशन में, वो मैकेनिक की पोजेशन में है और उसकी कंसेंट के बिना, उसकी कंसेंट नहीं, मैं भले ही मैं अपनी चीज को वापस ले रहा हूं लेकिन मैंने उसकी, क्योंकि पोजेशन उसके पास है, मैंने कंसेंट नहीं ली और नियत मेरी कि मैंने इसको पैसे नहीं देने और मोटरसाइकिल को उठा देना, और मैं उस मोटरसाइकिल को उठा भी ले जाता हूं, साथ में उसका स्थान जो वो परिवर्तन कर देता हूं, आई कैन बी हेल्ड फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम फॉर थेफ्ट। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल लाइक इट।